मतदाता जान रहे ईवीएम तथा वीवीपैट से मतदान करने की प्रक्रिया। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2018 में पहली बार वीवीपैट वोटिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बताने के लिए मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के संबंध से जानकारी देने के लिए यह स्विच कार्यक्रम के तहत सभी गाँव तथा नगरों में ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही मतदान करने वालों की प्रक्रिया भी बताई जा रही है। सभी कार्यक्रम के तहत नगर बरेली में ईवीएम तथा वीवीपैट का प्रदर्शन किया गया तथा मतदाताओं को जानकारी दी गई। इस बारे में ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट मशीन भी मतदान के साथ रहेगी। मतदाता द्वारा ईवीएम का बटन दबाने के बाद वीवीपैट पर 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखाई देगी, जिसे देखकर मतदाता यह जान पाएगा कि उसने किस प्रत्याशी का बटन दबाया है, उसी प्रत्याशी को उसका वोट मिला है या नहीं। ईवीएम तथा वीवीपैट प्रदर्शन के दौरान अनेक मतदाताओं ने स्वयं मशीन का बटन दबाकर देखा कि उसका वोट किसे मिला। हमको ऐसा लगा कि हमने जिस मतलब दबाया, हमें जहां वोट डालना थी वही उसी जगह पे सही जगह पे वोट पहुंच गए। इस वोट से आप संतुष्ट हैं? बहुत। इससे वोटर संतुष्ट है फिर आपके बताने से? हाँ, अभी तक को जितने मतदान केंद्रों पर हम लोग गए हैं, सभी जो मतदाता है वो इसे देख कर काफी संतुष्ट नजर आए। सर, ये वीवीएम मशीन का क्या प्रयोग है आपके, क्या बताना चाह रहे हैं आप इससे लोगों को? ये मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास है चुनाव आयोग के द्वारा जी, जिसमें मतदाता जिस किसी भी उम्मीदवार को मतदान करता है, वोट डालता है, उसकी पर्ची वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड के लिए प्रदर्शित होती है। तो मतदाता इससे संतुष्ट होता है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसका बटन उसने दबाया। तो इसका उद्देश्य हमारे लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को, मतदान प्रक्रिया में लोगों के विश्वास को कायम रखना।